नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मित्रम में। आसान उपाय घर में सकारात्मकता लाएं। वास्तु शास्त्र की राय में भूखंड यानी कि आपकी जमीन का वास्तु दोषों से मुक्त होना बेहद जरूरी है। भूखंड के आसपास भी कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हो। ये चीजें घर को अशुभ प्रभाव देती हैं। आप अपने भवन, घर, मकान के सबसे ऊपरी हिस्से पर दक्षिण की दीवार को सबसे ऊंचा रखें। यदि संभव ना हो तो दक्षिण पश्चिम कोने में एक पाइप लगाकर ऊंचा करें और उसमें 7 रंगों वाला झंडा लगा दें। भूमि या कमरे के पूर्व उत्तर कोने में किसी पात्र में 4 से 5 लीटर पानी रखें और रोज उसे बदलें। इससे लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा। लैट्रिन शौचालय को दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक में निर्माण कराएं, किंतु उसका टैंक उत्तर पश्चिम में ही करें। यदि निर्माण इससे भिन्न हो चुका है तो लैट्रिन शौचालय के अंदर किसी प्याली में 200 ग्राम नमक ऐसी जगह रखें जो भीगे ना, और उसके दरवाजे पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र चिपका दें। लैट्रिन शौचालय का दरवाजा प्रायः बंद ही रखा जाना हितकर होता है। पूर्व उत्तर दिशा और पूर्व दक्षिण दिशा हमेशा साफ सुथरी रखें और पूर्व दक्षिण के कोने में एक प्लेट रखें। उसमें फूल की कुछ पंखुड़ी बिखेर दें। उसके ऊपर उल्टा करके एक गिलास रखें। गिलास के ऊपर सरसों तेल का दीपक जलाएं। ऐसा लगातार 43 दिन सूर्य डूबने के बाद करें। इसका परिणाम आश्चर्यजनक ही दिखेगा। तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए शुभ होता है। यदि कोई बहुमंजिला इमारत आपके सामने हो तो फेंगशुई के अनुसार अष्टकोणीय दर्पण, क्रिस्टल बॉल तथा दिशा सूचक यंत्र लगा सकते हैं। बड़ा गोल आईना मकान की छत पर ऐसे लगाएं कि मकान की संपूर्ण छाया उसमें दिखाई देती रहे। हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहती है। किसी भी मकान में सीढ़ी जीने का निर्माण दक्षिण से पश्चिम की ओर जाते हुए ही शुभ माना जाता है। जीने के नीचे कोई कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां चीजें किसी डिब्बे या कार्टून में करके रख दें। किसी कारण ऐसा नहीं है तो अपने छत के ऊपर पूर्व उत्तर के कोने में एक में तुलसी का पौधा लगा दें और उसमें रोज सुबह जल डाला करें। इसका परिणाम शांति समृद्धि में हाथों हाथ मिलेगा। अपने घर में दीवारों पर सुंदर हरियाली से युक्त और मन को प्रसन्न करने वाले चित्र लगाएं। इससे घर के मुखिया को होने वाली मानसिक परेशानियों से निजात मिलती है। वास्तु दोष के कारण यदि घर में किसी सदस्य को रात में नींद नहीं आती या स्वभाव चिड़चिड़ा रहता हो तो उसे दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके शयन कराएं। इससे उसके स्वभाव में बदलाव होगा और अनिद्रा की स्थिति में भी सुधार होगा। अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा और खुला रखें। इससे घर में शुभत्व की वृद्धि होती है। पति पत्नी में प्रेम के लिए लव बर्ड का चित्र या मैड्रिन बतख का जोड़ा रखें अथवा सपरिवार प्रसन्न चित्त मुद्रा वाला चित्र लगाएं। डाइनिंग टेबल को प्रतिबिंबित करने वाला आईना आपके सद्भाव व भाग्य में वृद्धि करता है। वास्तुविद पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार कभी कभी वास्तु आपकी जन्म पत्रिका के दोष, पारिवारिक स्थिति, घर के सदस्यों के प्रति आपका व्यवहार पर भी निर्भर करता है। जैसे आप पर किसी नकारात्मक ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है तो घर में तनाव होना संभव होता है। वैसे ही जब आप घर में आते हैं, ऑफिस या दुकान का गुस्सा घर में उतारते हो तो भी दोष लगता है। आप एक बात जान लीजिए कि घर जितना साफ हो उससे ज्यादा शांत होना जरूरी है। कई घरों में सुबह से झगड़ा शुरू हो जाता है। अपने घर के मेन डोर पर कोई पवित्र चिन्ह जैसे स्वास्तिक, ओम, तोलन, गणेश, लक्ष्मी, हनुमान जी की मूर्ति टांगें। घर के मेन डोर पर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपके शरीर को टच करती हो। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च बांध दें। घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए।
भूलकर भी घर का मेन डोर साउथ यानी दक्षिण दिशा की ओर ना रखें। घर के मेन डोर पर सोमवार को रुद्राक्ष की माला टांग दें। हमेशा अपने पलंग के सिरहाने लाल रंग का वस्त्र रखें। कभी भी घर में पूरा अंधेरा ना रखें। शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू ना लगाएं और अगर लगाएं तो कूड़ा घर के बाहर ना फेंकें। हमेशा अपने वर्किंग टेबल के पास भरा हुआ पानी का जग या गिलास रखें। ये सभी उपाय करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, पॉजिटिव एनर्जी से घर भर जाएगा। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।